हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सब देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। तो आज मैं आई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक लेकर, जो है ऑयल, बेबी मसाज ऑयल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपका बेबी रिलैक्स होके आपको आराम से सोने की परमिशन देता है। तो ऑफकोर्स मदर्स के लिए तो ये एक खास जानकारी हुई, और बेबीज़ के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता है, क्योंकि हर माँ चाहती है जब भी उसका बेबी हो। काफ़ी लोग कोई दाइमा सिलेक्ट करके रखते हैं कि बेबी होने के बाद उनको मसाज दिया जाएगा, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगी कि अपने बेबी को हमेशा हमेशा अपने हाथों से मसाज दीजिए, या फिर उसकी नानी के हाथों से, या फिर उसकी दादी के। क्योंकि ये जो मसाज होता है बेबी के साथ, जो ऑयल मसाज होता है, ये एक्चुअली एक बेबी की बॉन्डिंग होती है, मदर एंड बेबी की बॉन्डिंग को बढ़ाता है। और इससे कहा जाता है एक पॉजिटिव टच। जब आप अपने बेबी को टच करते हो थ्रू ऑयल के साथ, तो आपके बेबी में एक अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स उसमें इन करता है, जिससे वो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा खुश रहता है और हेल्दी फील करता है, और आराम से उसकी नींद पूरी होती है, जो कि हर मदर चाहेगी। मैं नहीं, मुझे लगता है ऐसा कोई मदर नहीं होगी कि वो चाहेगी कि नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेबी को सोने की, और हम उसके साथ पूरा दिन कटाएंगे, लेकिन ऑयल की हमको ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। ऐसा काफ़ी कम मदर्स होती है। हर मदर्स चाहती है कि उनके बच्चों को अच्छे से नींद आए, वो अच्छे से रहे, खुशी से रहे। और मैंने कुछ ऑयल्स यूज़ किए हैं अपने बेबी के लिए, मैं आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और वो है, फर्स्ट है कोकोनट ऑयल। मैं एकदम वर्जिन मैक्स केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ माही के लिए। और अगर कभी ठंडियाँ होती है, जैसे थोड़ा बारिश हो गया हो विंटर में, मैं उसके लिए फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन। और ऐसे आप देखोगे प्योर ऑलिव ऑयल मिलता है, लेकिन वो वर्जिन नहीं होता है। बेबीज़ के लिए वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन होते हैं उसमें केमिकल्स फ्री होता है वो, तो आप उसे बेबी के स्किन के ऊपर भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है, ये जो बेबी ऑयल्स हैं वो काफ़ी लाइट होते हैं, माइल्ड होते हैं, एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्योर ऑयल्स के। जैसे मैक्स केयर का जो ऑयल है, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसमें ये बहुत ही लाइट है, माइल्ड है। बेबी को आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा इरिटेट नहीं होते हैं। और आप देखोगे कि जब अगर आपने दूसरा कोकोनट ऑयल आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, तो वो काफ़ी टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, और बेबी भी बहुत इरिटेट फील करता है। और इसी की तरह फिगारो का ऑयल भी काफ़ी लाइट है, तो बेबी भी बहुत इन्जॉय करता है ऑयलिंग के वक्त। और जब आप ऑयलिंग करोगे, सबसे बड़ा टिप्स हमेशा ये याद रखना, बेबी को आप लिटा के उसका पाँव से स्टार्ट कीजिए। उसके लोअर पोर्शन से अगर आप स्टार्ट करोगे तो बेबी खेलता रहता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर धीरे धीरे अपर पोर्शन में जाइए, फिर उसका हैंड, फेस। मैं कोशिश करूँगी, कभी अगर मुझे मौका मिले तो आपको मैं ये मसाज भी करके दिखाऊँगी अपनी बेबी के ऊपर, तो ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से बेबी के लिए मसाज बेनिफिट होता है। और मैंने देखा है बेबी मसाज से काफ़ी खुश रहता है। मेरा बेबी तो काफ़ी आराम से सोता है मसाज के। अब मैं नहीं बता सकती कि वो मसाज के वजह से सोता है या मसाज के नहीं कारण है, लेकिन फिर भी मेरा बेबी बहुत आराम से सोता है। मैं उसको रेगुलर मसाज देती हूँ। जब माही, मुझे याद है 2 महीने तक मैंने माही को ट्वाइस मॉर्निंग में भी मैं मसाज देती थी 10 to 15 minutes, और इवनिंग 7 to 8 PM के तकरीबन मैं उसको एक मसाज देती थी 10 to 15 minutes। और 2 महीने मेरी बेबी जैसे विंटर में हुई है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है मुझे मसाज करने में, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ती गई तो मैंने रात का मसाज उसको स्किप कर दिया है, क्योंकि उससे भी थोड़ी इरिटेशन होने लगी, गर्मी लगती थी, वो भी रोती थी, इसलिए मैंने शाम का जो मसाज है वो बंद कर दिया। बट ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को 0 to 3 months एक्चुअली अगर आप उसको मसाज दें, तो बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट होता है, इवन बच्चा बहुत अच्छा सोता है, एंजॉय करता है। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, और शायद मे भी इससे आपको भी थोड़ा बेनिफिट मिले, आप भी सो सके इस ऑयल को यूज़ करने का। और इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये ऑयल काफ़ी अच्छे हैं, इवन कि बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे तो, ये तो बच्चों के लिए ही है, और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। चलिए देखिए, ये तीनों ऑयल है जो कि सबसे बेस्ट ऑयल है मार्केट में बेबीज़ के लिए। तो पहला ऑयल जो है वो है मैक्स केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और जो सेकंड ऑयल है वो है फिगारो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और जो थर्ड ऑयल है
वो है बेबी मसाज, हिमालय का बेबी मसाज ऑयल। और ये तीनों ऑयल ही काफ़ी बेस्ट ऑयल है, और सबसे जो मैं आपको बेस्ट बोलूँगी इनमें से, ये है मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। इस ऑयल को मैं माही को यूज़ कर रही हूँ। मुझे माही को तकरीबन 1 मंथ हो गया है इस ऑयल से मसाज करते हुए। माही का जो फेस का स्किन है वो काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए मैं माही को ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी माइल्ड एंड लाइट है, तो उसको इरिटेशन भी नहीं होता है। उसके हेयर्स के हेयर से टॉप टू बॉटम मैं उसको यही यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा अगर कभी बारिश वगैरह हो, ठंड हो, तो मैं उसको ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ उसके बॉडी के लिए। और पहले मैं हिमालय का बेबी मसाज ऑयल भी यूज़ करती थी। हिमालय का बेबी मसाज ऑयल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये क्या है, इसमें थोड़ा ये भी माइल्ड है, लेकिन इसमें इससे फेस में माही के रैशेज आ रहे थे, जिसके वजह से मैंने चेंज किया टूवर्ड्स मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर मुझसे पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है, तो मैं डेफिनेटली मैक्स केयर वर्जिन कोकोनट ऑयल को बोलूँगी, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है और इसका जो फंक्शन है वो इन तीनों में नहीं है। क्योंकि इन तीनों के कंपेयर में सबसे अच्छा मैं आपको मैक्स केयर बोलूँगी। जिनकी बेबीज़ काफ़ी सेंसिटिव है स्किन, वो प्लीज़ आप ये यूज़ कीजिएगा मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल। और ये 100% देखिए मेंशन किया हुआ है, 100% एंड कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल है, जो कि आप एकदम प्योर कोकोनट से बनाया गया है। इसमें कोई एक्स्ट्रा मिनरल्स, एक्स्ट्रा केमिकल्स इसमें एडेड नहीं है, तो ये पूरा का पूरा प्योर है, जिसे आप बेबी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। हल्का सा पानी गुनगुना करके उसमें इसे थोड़ा सा हीट दीजिएगा डबल हीटिंग प्रोसेस में, जिससे बेबी का स्किन भी काफ़ी कलर, काफ़ियों को प्रॉब्लम होती है कि बेबी का स्किन का कलर थोड़ा डल होता जा रहा है जब से उनका बर्थ हुआ है, बाय बर्थ के कलर से, तो वो भी आपका थोड़ा सा कलर भी निखर जाता है। और अगर आपके बेबी का स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, तो ऑलिव ऑयल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रैश आने में थोड़ा हेल्प करता है, इससे थोड़ा रैश होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा वर्जिन है, तो बेबीज़ के लिए बेस्ट है। और अगर आपको बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेबी मसाज ऑयल, गो फॉर बेबी मसाज ऑयल। फेस की स्किन के लिए भी अगर सेंसिटिव नहीं है, अच्छा है, नॉर्मल है, तो आप ये यूज़ कीजिए। जैसे मैं माही को शाम के वक्त हिमालय का बेबी मसाज ऑयल उसके पाँव पर मालिश कर देती हूँ, और फुल पूरा दिन में ये कोकोनट ऑयल ही उसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे तरफ से इन तीनों ऑयल के लिए यस। और मैं हाँ आपको सबसे अच्छी एक जानकारी देना चाह रही थी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के बारे में मेरी कोई खास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया है, तो मैं आपको मस्टर्ड ऑयल के बारे में ज़्यादा आपको प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के वजह से माही को काफ़ी रैशेज हुए हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं बोल सकती। मे भी काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लोगों को सूट किया है, उनकी स्किन अच्छी होगी, लेकिन मेरी बेबी को ये स्किन, ये ऑयल पर्टिकुलरली ज़्यादा सूट नहीं किया है, तो इसलिए मैं इन तीनों ऑयल को ही घुमा फिरा के यूज़ करती हूँ। तो आप अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप फट से देख पाए। और बगल में जो एक बेल बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको झट से नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।